अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सासरवा खान और आप देख रहे हैं सासरवा खान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में डिस्प्ले मोड में ओपन कर सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल को मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में डिस्प्ले मोड में कैसे ओपन कर सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं, और अक्सर आपने मेरी वीडियो में भी ये सुना होगा अगर आप मुझे फॉलो करते आएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सबकी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, आपको मेथड बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी मेथड है। तो ये छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने सोचा क्यों ना यार आपकी जो कन्फ्यूजन है, आपको जो तरीका नहीं आ रहा है वो मैं आपको बता दूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपका दिल करे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भाई के व्लॉग देखना पसंद करते हैं तो उसके लिए मेरा सेकंड चैनल है सास सर्वर व्लॉग, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दें। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर राइट, मोबाइल की स्क्रीन में आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने मोबाइल में जो क्रोम ब्राउज़र देखने को मिल रहा है इसे आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद जैसा भी स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा है तो आपको राइट साइड से ऊपर तीन डॉट देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और न्यू टैब पर क्लिक कर देना है। अगेन इसी तीन डॉट पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको टिक लगा देना है और सर्च बार में आपको लिखना है youtube.com, ये लिखकर आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको वैसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसा आपको पीसी या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद इधर आपको मेरे चैनल का जो लोगो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपका इधर यूट्यूब चैनल वाली जो आईडी है वो लॉगिन देखने को मिल रही है तो ठीक है, अगर लॉगिन नहीं है, अगर कोई दूसरी आईडी लॉगिन देखने को मिल रही है या लॉगिन ही नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद इधर आपको स्विच अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको स्विच अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे ऐड अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आपको अपने यूट्यूब चैनल वाली जो ईमेल है वो देकर और पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो जो ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको उसके मतलब के इधर ऊपर क्लिक करना है, ऊपर youtube.com जहां आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लिखना है studio.youtube.com। ठीक है, जैसे कि अभी आपको देखने को मिल रहा है, तो ये लिखकर आपको उस पर क्लिक कर लेना है। तो जो ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके चैनल का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, मींस कि आपका चैनल डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको मेरा चैनल लॉगिन देखने को मिल रहा है। तो इधर आपको वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इससे नीचे जो भी सेटिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है और नीचे सेटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताना था कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड में ओपन कर सकते हैं। फिर बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन दिया गया, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं और भाई के इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर यूट्यूब एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल करें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।